माँ चूक गई। तो भाई ये मनोर में क्या बात है भाई, इतना ट्रैफिक काई को हो गया है और फुल रश राइड मिल गई मेरे को, वो भी फुल लोडेड लगेज लेके। भाई ये ऑफ रोड में गलत सीन हो गया ना, पंजी कॉर्ड लूज हो गया, मेन बैग है ना वो ही निकल गया। ये लीन चेक करो भाई। ऑलराइट गाइस, तो भाई कैसे आप लोग, खूब सारे बड़े होंगे। तो फिलहाल अभी गाइस मैं आप लोगों को टाइम चेक कर रहा हूँ, तो टाइम 7:00 परफेक्ट 15 मिनट हो रहे, 1 नवंबर हो रखा है एंड मैं कल जाने वाला हूँ एक राइड पे, जो कि मेरा पहले गुजरात का प्लान था, बट अभी प्लान ऐसा है कोई अपने को घर से थोड़ा शॉर्ट हो रहा है क्योंकि दिवाली है एंड घर पे सब फैमिली रहने वाले हैं, तो कैसा है ना अपने थोड़ा उसके लिए घर पे आने का, तो इसके लिए फिर अभी थोड़ा प्लान में चेंजेस हुआ है। फिलहाल मैं भी आप लोगों को बता दूं कि भाई मैं सामान क्या क्या लेके जा रहा हूं। यहां से स्टार्ट है भाई, यहां तक भाई ये सारा अपना सामान है। यहां अपना एक बैग पड़ा हुआ है, पैनियर बैग है वो है, फिर यहां पे कपड़े है, यहां पे जैकेट है, यहां पे हैट है। इतना सारा पसारा देख रहे हो ना भाई, ये ना मेरे को अभी पैक करने का है। आधे से ज्यादा मैं पैनियर बैग में डालने वाला हूँ, कुछ कुछ जो मेरी मेन मेन आइटम रहेगी वो मैं डालने वाला हूँ इस बैग में। ये जो राइड है छोटी सी राइड होगी, आई गेस 100 किलोमीटर समथिंग। ये राइड में ना मजा बहुत आने वाला है बिकॉज मैं सोलो जाने वाला हूँ एंड मैं फुल डे एंड फुल नाइट कैंप करने वाला हूँ सोलो, अभी NH 48। अभी ये सब सामान जो है ये फटाफट मैं पैक कर लेता हूँ, कल सुबह डायरेक्ट मिलूंगा बिकॉज आज बहुत ज्यादा काम है, ब्लॉग भी पेंडिंग रह जाएगा। The next day. Alright, hey guys, what's up everybody? Welcome back to my channel. It's me, your ZX Jitu. So, भाई सुबह सुबह पता नहीं गले हो क्या हो गया, आवाज थोड़ी अलग हो गई है। बाकी मैं भी आप लोगों को टाइम चेक करा देता हूँ और मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ। टाइम हो रहा है भाई 8:05 बाकी है। यहाँ चेक करो अपने डेविल लगी हुई है, डेविल के आगे मैंने अपना मैट और अपना ट्राईपॉड फिक्स कर दिया है एंड मैट जो भाई लास्ट टाइम मैंने यूज किया था सेम जुगाड़ सेम सीन भाई, एक नंबर सीन है वो। जो दोनों पैनियर बैग है ना ये बस उठाना ऐसे और रखना है और अपना टेंट लगाना है। अपना ना सेटअप जो है ना मैंने पैनियर बैग का वो इस बार ऐसा रखा है ना कि अगर उसको निकालना हो ना तो भाई एक हाथ से पकड़ो दोनों पैनियर बैग निकल जाएंगे यानी एक हाथ से लगो, मतलब रखने और लगाने में ना सिर्फ 10 सेकंड लगेगा। मैंने कल रात को सारी चीज़ें कर ली थी पैकिंग का काम। ओके गाइस, तो एज यू कैन सी अपनी फाइनली पैकिंग हो चुकी, अपने पैनियर बॉक्स जो है वो भी प्रॉपर लग चुके हैं, आई मीन पैनियर बैग। यहाँ अपना टॉप बॉक्स भी आ गया, इसके अंदर मेन इक्विपमेंट है, अपना सारी चीजें आ गई। इस बार क्या है ना बस मेरे एक दिन के लिए राइड पे जा रहा हूँ, अभी मैं जाऊंगा एंड कल सुबह वापस मैं घर के लिए आ जाऊंगा, सो दैट मैंने सामान बहुत कम लिया है। ये जो सामान है ना इसका भी वेट बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, बिकॉज जितने सामान चाहिए ना जरूरत के हिसाब से एक बंदे के लिए सारी चीजें है, इसलिए थोड़ा हैवी हो गया। बट एनीवेज अपन देख लो, टाइम हो रहा है 7:52, सब कुछ सेट हो गया अपना, अभी मैं राइड के लिए निकल रहा हूँ। लुक चेक करो अपने ड्राइवर का यार, क्या ही खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं बहुत प्रोफेशनल राइडर हूँ एंड बहुत बड़ी प्रोफेशनल टूर पे निकला हूँ। और वैसे तो तुमको पता ही भाई अपन है तो एक प्रोफेशनली एक्सपीरियंस राइडर, बात तो सही है। सामान तो अपना लोड करने के बाद ना साइकिल ऐसे हो गई है जैसे भाई किसी बहुत बड़ी सुपर बाइक को उठाना पड़ रहा है। ये गली में मैं जहाँ पे इजीली टर्न वन लेता हूँ वहाँ पे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही। ओके सो अपने डेविल ना थोड़ी मेरे को वन साइड लग रही है, बट वो अभी क्या है थोड़ी देर बाद अपन यूज टू हो जाएंगे प्रॉपर। पैनियर के ना मेरे को पैर लग रहा है, मेरे को लगता है पैनियर मेरे को थोड़ा पीछे लेना चाहिए। ये जो राइड है ना भाई, इस राइड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत टाइम से मेरा एक टूर का प्लान चल रहा था, जो मैं टूर का प्लान कर रहा था ना वो एक्चुअली बहुत बड़े टूर का प्लान कर रहा था, मेरे को नहीं पता था कि यार बीच में अपने को दिवाली की छुट्टियां मिल जाएगी तो एक छोटा टूर भी हो ही जाएगा। इस राइड में मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ एंड थोड़ा सा एक्साइटेड भी, सुबह दोपहर शाम कितना भी हो राइड इजीली हो जाएगी, रात की बात है देना। तो भाई बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ, कैंपिंग सोलो करने में हटके चार हो जाती है, अपने पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कैंपिंग का, उस वजह से थोड़ी सी तकलीफ आती है। सबसे बुरी बात जो है वो हो गई है अपने साथ, वो है भाई ये ईस्ट वेस्ट वाला रास्ता। अपने पैनियर बैग जो है वो वाटरप्रूफ नहीं है, मैंने उसको जींस के कपड़े से बना रखा है और यहाँ पे चेक करो भाई पानी गाड़ फाड़ के हो रखा है। आई गेस वो डूबेंगे नहीं, वो गीले हो गए, बट मैंने नीचे की जितने सामान है ना डाल के रखा है भाई थैलियों में, वाटर प्रूफ करके रखा है। मुझे पता था ऐसे सारे सीन आएंगे। मैं अभी सीधा आज घर से निकला 2 तारीख है आज, और मैं अभी घर पे आऊंगा सीधा 3 तारीख, वैसे मेरा प्लान तो और ज्यादा का था, बट एनीवेज राइड छोटी है, एक दिन काफी है भाई रहने के लिए। रास्ते में ना अपने पब्लिक ने घेर लिया भाई, पब्लिक देखो चैनल ZX Jitu, फट गया, चला सब्सक्राइब करा।
हाँ कुछ पब्लिक आ रखी थी तो मेरा फर्स्ट ब्रेक अभी हुआ। ब्रेक जब लिया हूँ तो एक काम कर लेता हूँ, जो अपना मेन काम है ये जो अपना बैग है ना पैनियर बैग, वो पैंडल मारते टाइम अपने को टच हो रहा है, उसको थोड़ा सा मेरे को पीछे से शिफ्ट करना है। इसको अपन थोड़ा थोड़ा पीछे ले लेते हैं, आई गेस इतना काफी है। टाइम 9:15 हो रहे हैं, मैं भी पालघर के अंदर इंटर कर चुका हूँ। घर से निकला हूँ ना, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम देखने अपने नहीं मिली, सारे एकदम बढ़िया चल रहे भाई। पैनियर भी एकदम प्रॉपर है, वेट भी प्रॉपर है, इवन मैंने बिना हार छोड़ के भी साइकिलिंग करी, इतना प्रॉपर कंफर्टेबल राइड हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्या मैं घर से कुछ खा पी के नहीं आया, थोड़ा अपने को एनर्जी की ज़रूरत है, तो अपने को सबसे बेस्ट ड्रिंक मिला है अपने एनर्जी के लिए। क्या जाए एक ग्लास लगा दो। सही बना रखा, टूटे भाई ऐसा लग रहा है, अब तो एनर्जी फाड़ के आ गए, अब तो NH-48 का भाई पूरा गुजरात एक दिन में कवर कर लूंगा बट नहीं करने वाला। जूस वूस पी के हो गए एंड काफी एनर्जी तो फील हो रही है। अभी मेरी राइड 18 किलोमीटर और रह गई है मस्तान नाका के लिए, उसके बाद मेरे को NH-48 मिल जाएगा। NH पे थोड़ा बहुत चलाऊंगा, एक अच्छी सी लोकेशन देख के वहाँ पे मैं अपना फुल नाइट कैंप करूंगा अभी सोलो। ये जो राइड है इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अभी अपने को घाट लग गई है, पालघर वाला रूट है मनोर के लिए, इसमें दो घाट आती है। सो पहली घाट मेरे चालू हो गई और ये जो घाट है ना बहुत बेकार है, जिसके ऊपर सिर्फ चढ़ाई है पर ढलांग है ही नहीं भाई। इसके लिए मेरे को सफाले वाली घाट बहुत ज्यादा पसंद है, और ये जो घाट है ना पालघर वाली, इसका तो रोड भी बहुत ही खराब है। अभी मैं यहाँ घाट पे रुका हूँ, भूख लग रही है, थोड़ा बहुत कुछ खा लेता, तो मैंने अपने साथ ये दो संतरे लेके आ रखे तो यही खा लेता हूँ, इससे मेरे को काफी ज्यादा एनर्जी भी मिलेगी। अपने सफाले वाली जो ढलांग है ना एकदम स्टीप वैसी नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे इतना मजा नहीं आता है, बट एनीवेज मजा तो यहाँ पे भी है भाई। देख रहे हो गाइस, बैलेंसिंग देख रहे हो, तुम्हारे भाई की स्किल्स देख रहे हो, साइकिल की फुल स्पीड में एंड भाई हाथ छोड़ रखा है लिटरली, एंड पीछे मेरे इतना लोड है, आगे इतना लोड है, फिर भी भाई अपना सब कुछ सेट है। इतनी देर घाट जो चढ़ाई है मैंने आधे घंटे की मेहनत, एंड अभी जो ढलांग मिली है वहाँ अपने को, इसका मजा अलग ही है भाई। कहाँ जाने का प्रोग्राम है? मेरा एक्चुअली में गुजरात का प्लान था, कैंसिल हो गया, तो अभी हाईवे तक जा रहा हूँ बस, फुल नाइट कैंपिंग। सही है, होना जरूरी है। हाँ अंकल थैंक यू। चैनल हो गया ना आपका? हाँ है ना, डायरेक्ट जीतू नाम है, जीतू। चलो भाई थैंक यू सो मच भाई, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सेम टू सबको। चलो भाई लोग थैंक यू, कुछ भाई लोग मिल गए थे भाई, बहुत अच्छा लगता है भाई। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब जब भाई मैं ऐसे टूर पे निकला हूँ या लंबी साइकिल राइड पे निकला हूँ ना, तो बहुत लोगों का मोटिवेशन मिला है, बहुत लोगों का प्यार मिला है, रैंडम पर्सन लोग का, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं भाई। तो भाई ये मनोर में क्या बात है भाई, इतना ट्रैफिक काय को हो गया है और फुल रश राइड मिल गई मेरे को, वो भी फुल लोडेड लगेज लेके रश राइड करना पड़ रहा है। फक बेब, लेकिन सही है यार, कंट्रोलिंग और अच्छी हो रही है। तो एनर्जल पाउडर दो ना, फिलहाल मैंने लिया ही अपना एनर्जल, ठीक है, बहुत सही भाई मज़ा आ गया। ऑलराइट पब्लिक, पता नहीं टाइम क्या हो रहा रहेगा, आई गेस 11:30 बज रहे रहेंगे। फाइनली मैं मस्तान नाका पहुँच गया हूँ, 2 inches late. मस्तान से निकला हूँ NH के लिए, NH पे जाके मेरे को कोई अच्छी लोकेशन ढूंढनी है, क्योंकि मेरा प्लान बस यही था कि मैं NH से ज़्यादा आगे नहीं जाऊँ, ये घर पे भी शॉर्ट है, मैं अब जाना भी नहीं चाहता यार, मन भी नहीं है। तो पहले तो मैं कोई ढाबा ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगी है भूख और मेरे को खाने का इवेंट है खाना। मैं मस्तान से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी लोकेशन देख रहा हूँ जहाँ पे मैं अपना टेंट पिच कर सकूँ। अपना NH-48 चेक करो कितना बेकार हो रखा है, ये देखो भैंसों, फुकट का पाउडर लगा रहा भाई, इतनी धूल उड़ा रहा, इतनी धूल उड़ा रहा, अरे क्या बोलूँ अब मैं। और यहाँ पे इतने ऑफ रोड हो रखे ना छोटे छोटे पत्थर, मेरे को डर है कि मेरी साइकिल पंचर ना हो जाए, पंचर हो गई तो भाई मेरे पास पंचर किट अवेलेबल नहीं है। ओ भाई ये ऑफ रोड में गलत सीन हो गया, अपना पंजी कॉर्ड लूज हो गया, सारे बैग यहाँ वहाँ हो गए, पैनियर प्रॉपर है और जो मेन बैग है ना अपना वही निकल गया भाई, एक्चुअली पंजी लूज था थोड़ा, इसके लिए सीन हो रहा है, बाकी कोई टेंशन नहीं थी। तो जब मैं लास्ट टाइम गुजरात गया था तभी मैं होटल तुलसी के जस्ट सामने वाला जो ढाबा है यहीं पे रुका था खाना खाने के लिए, एंड आज फिर से मैं यहीं रुक रहा हूँ। खाया दादा खाया ला वड़ा पाव है, नहीं डेविल चेक करो, डेविल के ऊपर से मैंने थोड़ा सा सामान निकाल लिया है, अपना जो मेरा मेन इलेक्ट्रॉनिक का बैग था, तो क्या वो गर्म हो जाएगा धूप में, इसके लिए मैंने अंदर रखा है। ये अपना ढाबा यहाँ पर रुका हूँ मैं, एंड मैंने भाई से परमिशन ले ली है जो यहाँ के ओनर है, कि मेरे को आज रात को यहाँ पे कैंप करना है, उन्होंने परमिशन तो दे दी है,
तो अभी धूप तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, अभी तो फिलहाल नहीं करूँगा, देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं नाश्ते के लिए रुका हूँ, अपना नाश्ता देखो यहाँ रेडी हो रहा है। तो अभी अपनी भुर्जी रेडी होगी, तब तक मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, थोड़ा स्टोरी वगैरह लगा रहा हूँ। मेरा जो मेन मोटिव ये था कि मेरे को आज फुल नाइट कैंप करना था, वो भी सोलो, एक्सपीरियंस लेना था भाई, इसलिए मैंने अभी परमिशन वगैरह भी ले ली है। बट आ चुका है भाई अपना भुर्जी पाव, तो देखो भुर्जी भाई क्या ही कलरफुल दिख रही है। अपने पाव का हेलमेट लगाया, यहाँ अपना बुक लगाया जिसके अंदर पूरा प्लानिंग करके रखा हुआ है। एक जीरा मैंने उड़ा दिया है, एक जीरा अभी मैंने जस्ट एक और लिया है। बाहर अपने डेविल लगी है, एक मेन बैग ये रहा अपना, बस खाते पीते और आराम करूंगा भाई मैं। आज मेरी नसीब कहाँ चमक गई बाबा, मतलब भाई मेरे को रहने को भी मिल गया, डायरेक्ट खाने को भी मिल गया, सारी चीज़ें हो गई। बाकी डेविल चेक करो, यहाँ अपने कुछ सामान है, अभी मैं आराम करता हूँ थोड़ी देर, और बहुत तगड़ी नींद आ रही है भाई। अगर आप लोग NH 48 से गुजरात साइड किधर भी जा रहे हो ना, या मस्तान साइड भी जा रहे होगे, आप लोग एक अच्छा ढाबा चाहिएगा ना, तो आप लोग ये होटल तुलसी के जस्ट सामने आ सकते हो, ये चेक कर लेना। हाँ यहाँ पर आपको ज़्यादा वेराइटी नहीं मिलेगी, पन भाई बहुत सही भाई समझ जाओ। तो अभी काफ़ी देर मेरी साइकिल यहाँ पे थी, अपने डेविल, अभी अपने डेविल को मैंने उठा के रख दिया है डायरेक्ट अंदर, एज यू कैन सी। एंड यहाँ पे भाई मेरे को टेंट भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, इतना यहाँ पे मेरे को फैसिलिटी मिल रही है। बट अपन टेंट के अंदर ही रहेंगे, बाहर साइड रात के 2000 years later 7:03 हो रहे। एंड अभी गाइज ना मैंने ये LED पकड़ के रखी है, क्या ही कर सकते हैं भाई, GoPro से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि फ़ोन में आप लोगों को टाइम दिखा रहा हूँ ना। सो अभी बस यही है भाई कि देखो मैं सुबह से यहाँ पे रुका हुआ था अपने ढाबे के यहाँ पे। एंड भाई मैं एक बात बता दूँ भाई, ढाबे वाले भाई ना बहुत सही थे, इन्होंने भाई मेरे को परमिशन दी तो भाई काफ़ी अच्छा रहा, तो मैं सुबह से इनकी इधर ही रुका हुआ हूँ। एंड ये अपना NH 48 है पूरा, अभी मेरे को है ना टेंट लगाने का इधर ऐसा है ना गाइस, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 7 बज गए, तो अभी मेरे को खाने पीने की तैयारी करने में से भूख भी लगने लगी है, तो फटाफट मैं अभी टेंट पिच करूँगा। वैसे ये काम मैं उजाले में करने वाला था, बट ये रोड थोड़ा बिजी रहता है इसके लिए मैंने उजाले में नहीं किया। एंड अपने को यहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, इसके लिए मैं बोला कि चलो अंधेरे में भी अब तो टेंट लगा ही सकते हैं, इजी रहेगा भाई टेंट लगाने में। अभी आप लोगों को वीडियो नहीं बनाऊंगा बिकॉज अंधेरा है, तो टेंट के अंदर ही मिलूंगा। 8:11 हो रहे। एंड भाई तुम्हारा भाई टेंट के अंदर फिलहाल भाई फाइनली कैंपिंग कर रहा है, मेरी ड्रीम कैंपिंग थी भाई ये, एक तरफ ऐसा बोल सकते हैं भाई। NH 48 पे ये देखो, जस्ट मेरे से 2 मीटर दूरी बैठ कर रोड है ये, हाईवे मेन हाईवे, देखो गाड़ियाँ जा रही है, ये चेक करो भाई, ये देखो गाड़ियाँ जा रही है कंटिन्यूसली। एंड यहाँ पे मैं कैंप कर रहा हूँ लाइफ में फर्स्ट टाइम, जो कि मेरे को करना था बहुत टाइम से, क्योंकि NH 48 मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आप लोग पसारे चेक करो भाई, मैंने सारी चीज़ें अपने अंदर ले रखी है, मैंने नेट लगा रखा है ताकि मच्छर ना आवे और हवा भी आते जाते रहे। फिलहाल मैं अभी बना लेता हूँ खाना, और खाना मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं अंडा करी बनाने वाला हूँ और साथ में चावल बनाने वाला हूँ। सो पहले मैं अंडे बॉयल पर लगा देता हूँ, यहाँ चेक करो मैंने अंडे बॉईल पे तो लगा दिए। Few inches later अंडे फुल बॉईल हो गए अच्छे से, जब तक अंडे बॉईल हो रहे थे तब तक मैंने अपने कांदे वगैरह छील लिए। फटफट बनाऊंगा खाना, देन निकलूंगा खा पी के, थोड़ी देर बाहर बैठूंगा, एंड उसके बाद जब ऐसा लगेगा कि हाँ भाई नींद आ रही है, देन सो जाऊंगा। अभी भाई मैंने रखा है अपना चावल बॉयल होने के लिए, अपनी सारी भाजी सब कटिंग हो चुकी है, अंडे भी छील लिए भाई, और ये चेक करो बस अभी अपने चावल बॉयल हो रहे, चावल फटफट हो जावे, देन भाई अपन आगे कार्यक्रम चालू करेंगे बिकॉज चावल में टाइम लगता है। खाना बना रहा हूँ ना तो पूरा कैंप के अंदर ना भाई गर्मी हो रही है। राइस रेडी हो चुके हैं, देखो मैंने निकाल के साइड में कर दिए, इसमें अपन डालेंगे अमूल बटर, फटफट राई जीरा डाल लेते, थोड़े फार मसाले भाई, क्या खुशबू आ रही है यार, लिटरली पूरी बाटी भर के मैं। गाइस तो एज यू कैन सी अपना अंडा करी भी बन चुका है भाई, यहाँ पे चेक करो अपना टेंट, अपनी कावासाकी डेविल। फिलहाल भाई मैं अपने ढाबे पे आ चुका हूँ, मेरे साथ अंकुश भाई है, अंकुश भाई और मैं खाने वाले। यहाँ अपना भात चेक करो, और भाई यहाँ अपनी करी चेक करो, एक नंबर हो रही है। एंड यहाँ हम लोगों ने साथ में खाने के लिए कांदे वगैरह काट रखे, तो अभी खाएंगे पियेंगे फिर मिलता हूँ भाई, चलो। ओके गाइस तो टाइम 10:30 जा रहे, एंड अभी भाई मैं यहाँ पे रुका हूँ NH 48 पे, खाना पीना खा के अपना सब कुछ हो चुका है। जो अपना ढाबे वाले भाई है वो भी अंदर जाके सो चुके हैं, खाना बहुत सही बना था अपना। टेंट के बाहर मैंने एक रेड कलर की लाइट लगा रखी है ताकि कोई भी अगर दूर से आवे ये साइड से तो उसको अपना दिख जाएगा, वैसे तो लाइट से ही ये दिख जाएगा बिकॉज अपना जो टेंट है वो रिफ्लेक्टर है, बट ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मैंने लगा रखी है। सभी मैं यहाँ थोड़ी देर वेट करूँगा बाहर, हाईवे का देखूंगा वगैरह, मजे वजे लूँगा,
एंड देन अंदर जाके सो जाऊंगा, बिकॉज सुबह मेरे को जल्दी उठना है एंड घर के लिए भी निकलना है, क्योंकि 5 बजे मेरे को यहाँ से निकलना है, बिकॉज घर से भी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं अपने को। इतने बड़े हाईवे पे एक सोलो राइड करना प्लस कैंप करना कोई हलवा नहीं है। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया रहेगा, मेरा ये कैंपिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया रहेगा, और जो कुछ मैंने दिखाया आप लोगों को सारी चीज़ें पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे भी ऐसे कुछ यूनिक यूनिक ब्लॉग लेके आऊँ। ठीक है, बस यार अभी सुबह मिलूँगा, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बाय। Hey, feel I'm in the mood for a switch up.